जबलपुर के सिटी अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला की उपचार के दौरान ही मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधक शव को अपने कब्जे में रखे रहा। हंगामा कर रहे परिजनों का कहना था कि उपचार में लापरवाही बरती गई है जिसके चलते मरीज की मौत हो गई थी, लेकिन चिकित्सक बहानेबाजी करते रहे और शव को बंधक बनाकर आईसीयू में रखे हुए थे। छह दिन से हमारी छोड़े वाले भैया की बहुत भर्ती थी, दवाई चलती थी सर, चलती रही। आज सर जब पैसे के लिए बोले बिल जमा, तो हमने बोले पूरा बिल कितना है, तो बोले अभी बताएंगे, तो हमने यहाँ 19,415 रुपया जमा किया गया, वो 40,000 रुपया पहले किया गया, फिर हमने बोला पूरा बिल जमा कर दूँ, वहाँ ऊपर मैडम के पास गए तो बोले पूरा बिल जमा, तो हमने बोले बताओ कितने टाइम से लगेगा, तो बोले अभी रुक जाओ एक डेढ़ घंटे के बाद बताते हैं। उनने अभी तक बिल नहीं बताया पूरा कितना है, फाइल का भी पता नहीं है, फाइल बोली फाइल भी नहीं है, फाइल भी नहीं मिल रही। फाइल के बाद भी उन्होंने अभी 8:30 बजे दवाई लिख दी, दो बार दवाई लेके आए, उस 9:45 बजे वो बात बोल दी उनने तुम्हारी पेशेंट ख़त्म हो गया। उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा था, मना भी किया, उसके बाद भी रखे हुए जी, हम लोग सुबह 12 बजे से बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ था उनको? एक्सीडेंट हुआ रहा, कब गए थे, कब हुई थी, 22 तारीख को, 22 तारीख एक्सीडेंट हुआ रहा उनका, उनका नाम था कमला भाई। अब क्या बोल रहे हैं डॉक्टर लोग, क्या बोल रहे हैं? अब वो तो एक्सपायर बता दिए, एक्सपायर हो गया। मेरा नाम रामदास ठाकुर।